आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय चैनल जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। मुलमुला थाना के दो आरक्षकों को एसपी ने पद से किया अलग। जांजगीर चांपा जिला के मुलमुला थाना में पदस्थ दो आरक्षकों के निलंबन के बाद पुलिस अधीक्षक ने आज बड़ी कार्रवाई की है और दोनों आरक्षकों को पद से हटाने के आदेश दिए हैं। आरक्षक धर्मेंद्र मंजारे और दुर्गेश खुटे पर शराब के नशे में स्टाफ पर राइफल तान कर गाली गलौज का मामला सामने आया था। पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारी और मुलमुला स्टाफ से मामले में पूछताछ की और कार्य में लापरवाही के साथ असामाजिक तत्वों से मेलजोल होना प्रमाणित पाए जाने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने दोनों आरक्षकों को विभाग के लिए खतरा बताते हुए पद से पृथक कर दिया है। मुलमुला थाना में पदस्थ आरक्षक दुर्गेश खुटे और धर्मेंद्र बंजारे पर थाना में पुलिस स्टाफ से उदंड आचरण करने की शिकायत पर एसपी ने 28 फरवरी को निलंबित कर दिया था और मामले में थाना प्रभारी के साथ थाना स्टाफ से पूछताछ की, जिसमें थाना प्रभारी ने दोनों आरक्षकों के विषय में जानकारी देते हुए वीडियो फुटेज भी उपलब्ध कराया है, जिसमें दोनों आरक्षकों की उदंडता साफ नजर आ रहा था थाना स्टाफ ने बताया कि दोनों आरक्षक शराब के नशे में रहना और छोटी छोटी बातों पर आवेश में आकर विवाद करना और आए दिन मारपीट करने की जानकारी दी। साथ ही ड्यूटी में लापरवाही करते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से हमेशा संपर्क होना पाया गया। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच में पाया कि दोनों आरक्षकों का असामाजिक तत्वों से लगातार मेलजोल और बातचीत होती थी और कभी उनके संपर्क के अपराधियों पर पुलिस शिकंजा कसने की कोशिश करती तो उनको अलर्ट भी कर देते थे। पुलिस अधीक्षक ने दोनों आरक्षकों का मोबाइल कॉल डिटेल और लोकेशन ट्रेस किया, जिसमें सारी बातों का खुलासा हुआ। दोनों आरक्षकों के इस कार्य को पुलिस के कार्यवाही के लिए घातक माना गया है और किसी भी दिन मुलमुला थाना के स्टाफ बड़ी मुसीबत में फंसने की भी संभावना जताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरक्षक धर्मेंद्र बंजारे और आरक्षक दुर्गेश खुटे को पद से ही डिसमिस फॉर्म सर्विस कर दिया है। छत्तीसगढ़ चांदगी नगर राजा भाटा से बालेश्वर का सबकी रिपोर्ट। बुलबुला में इन दो आरक्षकों के खिलाफ लगातार शिकायतें आ रही थी। इन्होंने 3 दिन पहले थाना प्रभारी के साथ धक्का धुक्की, गाली गलौज, मारपीट और जो थाना प्रभारी की बंदूक जो थी उसके साथ छेड़छाड़ की शिकायत आई थी, जिसके ऊपर तुरंत जांच कराई गई। उनके सीसीटीवी फुटेज जब्त किए गए, जिसमें कि मारपीट, गाली गलौज की बात की पुष्टि हुई है। उनके कॉल डिटेल्स निकाले गए। पिछले 6 महीने में लगातार थाना से बाहर अन्यत्र जगह पर जंगल में, पहाड़ी पे उनका लोकेशन पाया जा रहा था। जब भी पुलिस फोर्स निकलती थी उससे पहले फ़ोन के माध्यम से पुलिस की गोपनीयता इनके द्वारा भंग की जा रही थी। असामाजिक तत्वों से साठगांठ की बात सामने आई थी। इनके गुसैल किस्म के और दारू पीने की लगातार शिकायत आ रही थी, जिससे कि क्योंकि वेपन रखते हैं तो अपनी जान और दूसरे की जान को खतरे में डाल सकते थे। इन गंभीर आरोपों के कारण जनहित में धारा 311(2) में इनको बर्खास्त किया गया।